बंदे ने वो क्रिसमस गिफ्ट दिया है और इतना बड़ा गिफ्ट आ रहा है ना, आप देखते रह जाओगे। मेरा गिफ्ट ये आया, हमारा गिफ्ट भारी वो देख कर ही सबको पता चल रहा है क्या है उसके अंदर। इतने सारे बेल हो रहे हैं जो हम गर्मियों में खाते हैं ना। हाय, काटते है ये ब्लैक वाला? नहीं, ब्लू वाला। ये जो ऊपर खड़ा है ये काट। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं दिन के बहुत सारे न्यू चैनल ही आते हैं। तो आज जो है हेमंत का ऑफ है, और इसीलिए क्योंकि ऑफ है तो घर में बहुत सारे फ्रूट्स कटे हैं। यहाँ मम्मी खाना बना रही है, घर के दर गांव से बहुत सारा सामान है जो खत्म करना हो रखा है, तो वो सारा काम चल रहा है। और नहीं मैं बता रही बताती हूँ, हेमंत ने वो क्रिसमस गिफ्ट दिया है और इतना बड़ा गिफ्ट आ रहा है ना, आप देखते रह जाओगे। इतना बड़ा ट्रक आ रहा है उसको छोड़ने के लिए। ट्रक जब वो आएगा तब दिखाओगी। तो ट्रक वाला गिफ्ट आ रहा है हमारे, वो हम मेरे को नहीं बूबू को दिया है। बोलो हेमंत ने बूबू को गिफ्ट किया है बड़ा वाला ट्रक। तेरा गिफ्ट तो अभी स्टिल ऑन दी वे है, वो अगले जन्म में आएगा। बर्थडे चले गया, एनिवर्सरी चलेगी, एक और क्या था बीच में, कुछ क्या गया था पता नहीं, कुछ और था वो भी गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और बर्थडे वो कह रहा गिफ्ट आएगा आएगा आएगा, गिफ्ट तो नहीं आया, दूसरा गिफ्ट आ गया। अभी आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कॉल आ गया, बड़ा ऐसा घर दूंगा तेरे को मैं, एक विला दूंगा। विला विला दे रहा है वो, घर नहीं विला, विला। घर तो गरीब लोग लेते हैं, विला लेते हैं। विला दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे, बस रुक जाओ उस टाइम। 10-12 साल उससे पहले दूंगा यार। है चलाओ 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 चलो, आने वाला है ना, तो मैं उससे जाता हूँ। इंतजार नहीं होता ना जिस इंसान से, वो उसका फोन आया आने वाले। हेमंत पहले ही गली में आके खड़ा हो गया। ये आया मेरा गिफ्ट, ये आया हमारा गिफ्ट, टेम्पो ट्रक में आया हमारा गिफ्ट। आगे यही है ना हेमंत, यही है, पता नहीं कौन सा वाला दो है क्या, कौन सा वाला है? हाँ यही वाला, अरे पीछे किसी और का होगा। हाँ जी व्लॉग बना रही, व्लॉग आप फिक्र मत करो, आपके लिए कुछ नहीं है। ये खुल चुके हैं कपाट, खुशी देखो उसके मुंह में कितनी है। ला 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 चेक भी तो करना पड़ेगा, अभी चेक लगाएंगे ना। इंस्टॉलेशन तो कोई और है क्या? ये आए गृह प्रवेश, गृह प्रवेश करा दो सामान का, सामान का गृह प्रवेश करा दो। ये वो कैसे होगा? कर लो ना, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी भी वापस होगा नहीं है। अंदर रख देते ना फिर, अब रास्ते में क्यों कर रहे हो हेमंत? अंदर अंदर करो, वॉशरूम वगैरह से अंदर करो, ले जाओ अंदर, ले जाओ ना भैया, आ जाइए। इतना बड़ा गिफ्ट है कि उठाया भी नहीं जा रहा है उसे, वो देख कर ही सबको पता चल रहा है क्या है उसके अंदर। उसके अंदर मानसिक ले जाए, मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं टीवी देखती भी नहीं हूँ। मेरे लिए क्या है, बुबू बुबू का गिफ्ट है ये, बुबू देखते हैं। मैं देखती हूँ मूवी, टूवी नहीं देखेगी, नहीं देखेगी, कुछ शौक ही नहीं है, शौक ही नहीं है। फोन जिंदाबाद अपना। हाँ पापा का न्यूज चलेगा जब DD1, ठीक है चल रहा है भाई, चलते हुए भी देखना होगा क्या। अच्छा अच्छा, उनका बस खाली छोड़ने का प्रोडक्ट है नहीं, वो मतलब कुछ मतलब बीच में कुछ फ्रॉड वर्ड होने लगे थे ना लोगों के साथ, इस चक्कर में फ्लिपकार्ट ने वो करा। तो गाइस ये था हमारा पुराना टीवी जो था हमारा 32 इंच का, ये खराब हो गया था। तो काफी टाइम से मैं सोच रहा था टीवी लूंगा, तो पापा ने बोला भाई मंगा ही ले, अब कितना टाइम टीवी के लिए वेट करना है। तो अब ये 50 इंच का मंगा रखा है मैंने एक, अब ये लोग इसमें मूवी देखेंगे मस्त मजे लेके।
स्मार्ट टीवी काफी स्लिम है, ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है ना, अब इसमें बड़ा बड़ा दिखेगा। नहीं क्या हो गया, बड़े बड़े सब बड़ा बड़ा दिखेगा इसमें, क्यों मानसी? यस, मैं बता रहा था कि वो वाला पुराना टीवी था, वो मैंने खुद ही निकाल दिया, वॉल माउंट ऑलरेडी हो रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना। नहीं नहीं, इंस्टॉलेशन वाले वैसे परसों आने वाला है, तो मैं परसों तक वेट नहीं करूंगा इसको, मैं कब तक पैसे बचाने के लिए कर रहा है गाइस। फ्री इंस्टॉलेशन है, फ्री इंस्टॉलेशन है, वैसे भी कोई इंस्टॉलेशन फ्री नहीं होता। फ्री है, बेचैनी भी तो बहुत है, जो काम मैं खुद कर सकता हूँ वो मैं खुद कर लेता हूँ। तो बुबू का गिफ्ट आ चुका है, आ चुका है तो सुबह ही बता दिया। बुबू कैसा लगा आपको, आप ही के लिए मंगाया ये स्पेशली? हाँ बैठ जाओ, फूफू कहते बैठो। हाँ क्या लगाओ, कपड़े तो पहन रखे हैं आपने, बिना कपड़े थोड़े दो, कपड़े तो पहन ही रखे हैं आप, बताओ टीवी कैसा लगा आपको? इसकी फाइनल प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी का जो लफड़ा हो रहा था वो प्रॉपर कर दिया मैंने, और अब थोड़ा बहुत इन्होंने हाथ लगा दिया तो वो साफ कर लेते हैं। हेमंत जो काम करता है ना पूरा बता रहा था उसको ब्लॉग में कि मैंने आप तो कब से बोला, दिखा दिखा पूरा दिखा, मैंने इंस्टॉलेशन कर दिया, मैंने कहा अरे भाई अभी चलते हुए दिखाया पूरा दिखा। अब सफाई करने वाला लगा हुआ, मम्मी से गलती से हाथ लग गए वहां पर, अब वो कह रहा है खुद साफ करूंगा उसको। वो खुश हो रखे, वो बेचारे बहुत टाइम से ना बोर हो जा रहे थे बैठे 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 बिना टीवी के, इनके पास फोन भी नहीं ना एंड्रॉइड है। बुबू आप ही के लिए तो आया है टीवी, आवाज चीफ गेस्ट हुए टीवी के। हाँ। अभी चला के दिखाते हैं आपको कैसा लग रहा है, बड़ा बड़ा आ रहा है, चश्मा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आए सब लोग पूछते आ गए घूमने के लिए, हेमंत का जो टीवी है वो कॉन्फ़िगर हुआ नहीं अभी अच्छे से, तो मैं हो गया मतलब वो जो लाइव टीवी वाला सीन है वो नहीं हुआ ना, तो मैं मोटी और मैं रोज काले काले भैंस जैसे बन के आते हैं हर जगह, मेरे कपड़े सेम ही होते हैं यार, रोज लोग मेरे को कपड़े नहीं है पहनने वाला, एक हमने विंडशील्ड निकाल के हमारा क्या है स्वेटर नहीं पहनते ना हम लोग, तो हेमंत और मैं जब भी कहीं जाते हैं अपनी विंडशील्ड निकालते हैं और चल देते हैं, दोनों की कैप भी ऐसी है और दोनों के पैजामे भी ऐसी है, पहनने का रीजन हमेशा ये रहता है कि धूल होती है वैसे, और मम्मी पापा वो सामने आ रहे हैं, इसे मेरे को बैक कैमरा फ्रंट कैमरा करके पकड़ा दिया, दिखाने में दिक्कत हो रही है, तो हम थोड़ा घूमने के लिए आए हैं। बुबू खुश हो रखे, बुबू टीवी आ रखा है, बोर वार थे वरना उन्हीं की डिमांड पे आया था। हाँ। उन्हीं को चाहिए था क्योंकि उनको दिक्कत हो रही थी टीवी देखने में। यार सोच रहे शुरुआत में कि क्रिसमस गिफ्ट करके मेरा गिफ्ट आया, ये मत सोचना दोस्तों मेरे लिए कुछ नहीं आया है, स्मार्टफोन यूज करते नहीं है तो अब टाइम काटना मुश्किल है दिल्ली में, गाँव में तो इधर उधर हो जाता टाइम पास। यहाँ पर गाँव में बुबू के पास टीवी है, बुबू टीवी लगा लेते हैं ना, यहाँ पर टीवी नहीं था तो इसलिए फिर बुबू चाचा लोग के वहाँ पर चले गए थे, आपको पता है वो भी बीच मार थे जा रहे थे, तो अभी फिर बुबू आए हैं तो फिर हम लोग टीवी भी मंगा ही लेते हैं, तो टीवी भी आ गया, बुबू का गिफ्ट हो गया ये न्यू ईयर गिफ्ट, मेरे लिए कुछ नहीं आया है दोस्तों, मेरे लिए कुछ नहीं आया है दोस्तों, तो देखना नहीं है उसको, मेरे को देखना भी नहीं, सही बात है, देखना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं मेरा फॉर्म में, टाइम ही नहीं मिलता वैसे भी दिन भर कुछ करने का, अपना ही काम नहीं हो पाता मेरा, तो अभी हम लोग घूमने के आए हुए हैं, पापा की तरफ थोड़ा ढीली सी हो रखी है, उनको जुकाम लगा हुआ, मुझे भी लगा हुआ जुकाम, हेमंत को भी लगा हुआ जुकाम, बुबू को भी लगा हुआ जुकाम, मम्मी के ताप बंद रहते हैं, इसलिए घर के जितने फैमिली मेंबर्स हैं सब में कोई ना कोई दिक्कत हो ही रही है, अब नहीं तुम्हें ठीक है, एक दिन में तो सही कम से कम सही रहने चाहिए भाई, ऐसा उसमें मत बोलो, बस यही घूम फिर के जाते हैं, बुबू को घर पर छोड़ कर आए, वो अपना टीवी देख रहे हैं, हम लोग आ गए घूमने के लिए, बस अब थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ से वो वहाँ तक घूमेंगे, पापा पापा ज़्यादा चला नहीं आता है, फिर यहीं से हम ऐसे सीधे वापस निकल जाएंगे, मम्मी को दिखा नहीं पाई थी ये सब चीज़ क्योंकि मम्मी एक दिन में चले गई थी, मम्मी को बस हमने उधर की तरफ थोड़ा खेत दिखाए थे, तो अब आएगी ना अगली बारी तो दिखाऊंगी ये सब, फिलहाल थोड़ा घूम लेते हैं, घर में बैठे बैठे भी थकान सी लग जाती, करना ही क्या है। देखो गाइस कितने सारे बेल हो रहे हैं जो हम गर्मियों में खाते हैं ना, जूस पीते हैं, खाते भी है गाँव में ना, हाँ यहाँ तो बेल का जूस पीते हैं, गाँव में खाते हैं, और इधर भी हो रहे हैं, इधर भी देखा था मैंने, किधर था इस पेड़ में देखे थे मैंने अभी, इस पेड़ में हो रहे हैं, ये बेल का पेड़ ना दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से हरे हरे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं हरे हरे हो रहे हैं, लेकिन वो वाले लेकिन इस वाले पूरे पेड़ में ना पूरे पके हुए पीले पड़े हुए पीले, और यहाँ कोई नहीं पूछता पता है, ये वहाँ बता रहा लोगों को कितने सारे फूल हो रहे थे गर्मियों में, और वो काले काले से वो बेरी भी हो रही थी, कोई खा भी नहीं रहा था उसको, कौन खाएगा,
अरे यार कितना हेल्दी होता तुम्हें पता है वो चीज, और पापा को खिलाओगे ना शुगर पेशेंट के लिए, इसको तोड़ के खाने के लिए। दे दो कदम है जो नीचे से ही हो रहे हैं, ये है रास्ता देखो, ये है रास्ता और ये रहा बेल का पेड़। जाने को तो लोग जाते हैं, बट वही है कि आजकल लोग सोचते हैं, लोग खाते नहीं है ना ये चीज है। आया मम्मी पापा वापस चले गए वहाँ को, है ना, मम्मी पापा चले गए वापस और हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ को। देखो गाइस हमको क्या दिखाई दिए, अबे क्यूटी पाई दिखाई, अरे भूख लग रही है, मत भूख लग रही है। देखो गाइस कितने क्यूट है, किसी ने उनको कपड़े भी पहनाए हुए, और ये बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर, ये दो चार बच्चे कह रहे हैं कि इनकी माँ मर गई थी तो इसीलिए इनको यहाँ पर रखा हुआ है, और बाकी कुत्ते इनका ध्यान रखते हैं जो उधर आपको दिखाई, अभी तो है नहीं, गली वली के कुत्ते इनका ध्यान रखते हैं। इतने क्यूट लग रहे हैं दोनों, ये देखिए ये तेज है काला वाला हेमंत, ये तेज है काला वाला, वो फिर सीधा सा है वो क्या देख रहा है, काटते है ये ब्लैक वाला, ये ब्लू वाला, ये जो ऊपर खड़ा है ये काटते है, ये जो नीचे बैठा है, और इनका नाम बताओ कितना रखा है। हाँ आंटी जी रखा है, क्या नाम रखा है इनका, रामू और शामू, रामू रामू और शामू, रामू शामू, बिल्कुल ऐसे नाम रख दिए बुड्ढा ने ऐसे। मैं इनका नाम रखूंगी चेरी और हैरी, चेरी हैरी, चेरी भी नाम है, चेरी उसकी मम्मी का नाम है, मम्मी का है, उसके मम्मी का, मम्मी नहीं पता का है, उधर रहती है, उधर रहती है, अभी तो कह रहा था मम्मी मर गई, वो झूठे है, झूठे है वो, अच्छा वो बाकी बच्चे बोल रहे थे ना तो कह रहा वो लोग झूठे है, ये है ना ये बोली थी मर गई मम्मी, वो चले गया, नहीं मरा, वो भी चले गया, निकला है ना, हाँ वो था उसका मम्मी, अच्छा वो मम्मा था, बाय चेरू नी राबू शामू बाय। अरे आगे तो क्यूट है ये, देखो सारे आगे जिधर थे गली के बच्चे। गाइस हाय मम्मी बंदे सब्जी दिखाने के लिए का सब्जी ट्रांसफर, आज हमारे घर में बना है ये जो आपको दिखाई दे रहा है शिमला मिर्च के भी नीचे, ये फली पहाड़ी फली, और इसको बोलते हैं पहाड़ी में, हाँ छीमी, पहले मेरी अम्मा बनाया करती थी, आज से 10-15 साल पहले खाई थी मैंने, तब से आज खाऊंगी मैं सब्जी को, ये आजकल पहाड़ पर जगह जगह पर आपको मिलाएंगे। तो मेरे मम्मी कह रही थी तू बना, मेरे को आता नहीं, तो मैं मम्मी बना रही हूँ इसको, मम्मी एक्सपेरिमेंट कर रही, पूरा ग्रेवी व्रेवी बना के उसमें सब शिमला मिर्च वगैरह काट के सब करने में लगी हुई है, और ये पद का कन्फिगर ही नहीं हो रहा, टीवी बता नहीं हो क्या सुबह से लग रखा है उसको, कुछ रुक जाओ कुछ रुक जाओ, बहुत सारी चीजें कॉन्फिगर कर रहा हूं ना ताकि तुम लोगों के लिए इजी रहे, मतलब तेरे लिए क्या, मतलब जो बुबू के लिए इजीली लग जाए, स्मार्ट टीवी है ना, बुबू ने बस दादी का दी, बुबू के लिए स्मार्ट बना रहे हैं, बुबू कुछ नहीं कहना चाह रहे, बुबू कुछ कहो, आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा आएगा उसमें, पर जो मैं ये कहना पसंद नहीं करता हूँ, नहीं करते उसको वैसे पसंद नहीं करता हूँ, तो यार मैं गुड नाइट बोल दो, मोटे गुड नाइट, मेरे हाथ में देखो मैं आटा का एक हाथ लेके, तो मैं बोल रहा हूँ बाय बाय गुड नाइट, टेक केयर, टेक केयर, और हम छीमी की सब्जी खा रहे, छीमी बना रखी है, खाया तुमने, नहीं खाते हो क्या, मम्मी तेरे तुम खाते हो, तो हम पर कुछ अच्छा, चलो ऑमलेट बना लेते हैं, पका चलो गाइस, ओके बाय बाय गुड नाइट, टेक केयर।